द गज़ब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों मनजीत कोथके रावरम। फिलहाल डांसा बॉर्डर बदली में है भाई उरे किसान लगातार काफ़ी दिनों से बैठे हैं और आज बहुत बड़ा जन सैलाब खटखट टोल प्लाजे से यहाँ पर पहुँचा है। तो यहाँ पर जो यहाँ की तस्वीरें वो देख सकते हैं आप, किसानों ने अपने घर भी बना रखे हैं, डांसा बॉर्डर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर किसान का जो ट्रैक्टर है, किसान का साथी है ट्रैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर स्टेज लगाई गई किसानों के द्वारा। तो चलिए आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कि किसान किस तरह शांतिपूर्वक बैठे। ये डांसा बॉर्डर की तस्वीरें हैं। बाजार कहे चाहे कितना भी काम जरूरी हो, एक ही आदमी के कहने से मतलब ये अनुशासन में चलते, इनकी बहुत बड़ी बात है। याद कर परसों जब हम जींद में एक हमारा कंडेले गांव का लड़का 26 तारीख को जनवरी को जो गुम हुआ था, उसके लिए जब हम पीसी महोदय से ज्ञापन सौंप रहे थे और जब हमने वहां ज्ञापन सौंपा तो मेरी महिला शक्ति बढ़ चढ़ करके उस गर्मी के टेम्परेचर में वहां बैठ गई थी और डीसी महोदय को यह चैलेंज कर दिया था, या तो आप उस लड़के को हमारे सामने ला दो वरना हम अनिश्चित काल के लिए चंडीगढ़ रोक देंगे। इन्होंने यह वादा किया। ये हमारी क्रांतिकारी महिलाओं ने हमारा यहाँ ही नहीं खटखट टोल प्लाजा में ही नहीं, हिसार में गए, वहां भी जींद में तो हमारा था ही और टोहाड़ा में भी, लेकिन इन्होंने आप आपके टोल प्लाजा चाहे टिगरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, इन महिलाओं ने ठाना है इस मात्र शक्ति ने कि हम सारे बॉर्डरों को जागरूक करेंगे, सारे बॉर्डरों को जागरूक करेंगे। और जब तक सारे बॉर्डरों पर ताकत नहीं बढ़ेगी महिलाओं की, तब तक ये वापस घर नहीं जाएंगी। इन्होंने ये भी वादा किया, ये अपने घर से एक सेना के रूप में निकली है और एक जागरूकता का काम ये खटखट टोल प्लाजा ने अभियान चला दिया है कि नारी शक्ति में भी दम है और वो दम है जो ये कानून तीनों काले रद्द कराएंगे और MSP पे कानून की गारंटी लेके रही रहेंगे। और जब इधर हमारा ये जो कारवा कुछ किया, इन्होंने एक वादा किया है कि जब तक हम नहीं जीतेंगे जीत के ही यहाँ से जाएंगे वरना वापस नहीं जाएंगे। मैं आप लोगों ने जो हमारा यहाँ पहुँचने पे जो स्वागत किया वो फूलों से भी बढ़ के था। आपके जो शब्द थे हमारे धन्यवाद करने के लिए वो हमारे फूलों के समान थे। मैं यहाँ वाली कमेटी का और यहाँ के खाप का मैं चरणों में नमन करके स्वागत करता हूँ, चरणों में नमन करता हूँ। हमारे माता शक्ति कई वक्ता हैं, वो आपको आपने बताएंगे कि और वो आपके सामने आती जाएंगी और वो दो दो मिनट के लिए एक एक मिनट के लिए अपना समय देंगी। आप उनके विचार सुनोगे, आपको एहसास हो जाएगा कि मतलब इन झांसी की रानी में कितनी ताकत है। और ये झांसी की रानी आप देख सकते हो एक थी और टोल प्लाजा के हजारों की संख्या में निकल गया। अरे आप इनकी अनुसरण करवाने के लिए, ये जागृति लाने के लिए ये अभियान खटखट टोल प्लाजा ने सारे बॉर्डरों पर तैयारी कर दी, सारे बॉर्डरों पर। मैं ज्यादा एक बार फिर उन्हें इस कमेटी का और इस खाप के सदस्यों का मैं चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने हमारा इतना बड़ा स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं आप आगे की कार्रवाई आपके।